Hello India, welcome to Indian AI production. Machine learning and data science, beginner to professional, hands-on Python course in Hindi. इसमें आज हम टू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे. फर्स्ट है TensorFlow और दूसरा है Keras. तो जैसे कि आपको पता है कि हम TensorFlow किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा. TensorFlow ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है. इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल को हम क्रिएट करते हैं. और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो TensorFlow लाइब्रेरी है वो गूगल की लाइब्रेरी है. ये जो TensorFlow लाइब्रेरी है वो पाइथन को भी सपोर्ट करते हैं और जावास्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करते हैं. और इसका इस्तेमाल करके हम मोबाइल डिवाइसेस है, IoT डिवाइसेस है, उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉडल है, जो हम मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करेंगे, जो हम डीप लर्निंग मॉडल बिल्ड करेंगे, उसको हम डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं एनी डिवाइस में. मतलब हम एम्बेडेड डिवाइस में भी उसको डिप्लॉय कर सकते हैं. तो उसके लिए बेस्ट लाइब्रेरी है, यह है TensorFlow और ये टेंसर्स के ऊपर काम करती है. और यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो TensorFlow लाइब्रेरी है वो CPU का भी इस्तेमाल करती है और ये GPU का भी इस्तेमाल करती है. आप CPU के ऊपर TensorFlow का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको CPU के लिए TensorFlow इंस्टॉल करना पड़ेगा. आप GPU के ऊपर काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TensorFlow GPU के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो हम आज के स्टूडियो में दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. और इसी के साथ, जैसे कि यहाँ पे हमने TensorFlow को इंस्टॉल किया, लेकिन हम जब कोडिंग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें TensorFlow के डीप में जाना पड़ेगा और हमें कोडिंग करना पड़ेगा. तो इससे अच्छा ये है कि हम क्या करेंगे, TensorFlow के ऊपर एक लाइब्रेरी काम करते हैं जिसका नाम है Keras लाइब्रेरी. आपको बताना चाहूँगा Keras क्या है, ये Keras API है. और इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जो TensorFlow की हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ेंगे तो उसके अलावा हम क्या करते हैं, डायरेक्ट TensorFlow का इस्तेमाल करके जो फंक्शन है, जो क्लास है, उसको हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं और जो भी हमारा काम है उसको हम सॉल्व करते हैं. लेकिन बैकेंड में काम क्या करेगा, बैकेंड में काम करेगा TensorFlow. तो चलो सबसे पहले अभी हमें TensorFlow को इंस्टॉल करना है, हमें Keras को इंस्टॉल करना है. तो आपको मैं सिंपल रास्ता बताना चाहूँगा. सबसे पहले आपके सिस्टम में Anaconda Navigator इंस्टॉल होना चाहिए. और Anaconda को किस तरीके से हम इंस्टॉल करते इसके ऊपर हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है. तो आपको क्या करना है, उस ट्यूटोरियल को एक्सेस करना है और उस ट्यूटोरियल को फॉलो करके आपको सबसे पहले आपके सिस्टम में Anaconda Navigator इंस्टॉल होना चाहिए. और उसके बाद हम क्या करेंगे, जुपिटर और स्पाइडर का इस्तेमाल करके जो भी हमारी पाइथन कोडिंग है उसको हम कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ पे मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने Anaconda Navigator को इंस्टॉल कर लिया है. अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको डायरेक्ट एनवायरनमेंट में जाना है. जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एनवायरनमेंट्स, तो चलो अब हम जाते हैं एनवायरनमेंट्स में. एनवायरनमेंट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकते हो. अब ये एनवायरनमेंट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको जस्ट सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा. जैसे कि मान लो आप प्रोजेक्ट ए कर रहे हो, राइट. प्रोजेक्ट ए को आपको पर्टिकुलर लाइब्रेरी लगेंगे, जैसे ए लाइब्रेरी, बी लाइब्रेरी, सी लाइब्रेरी. और उसमें आपको ए लाइब्रेरी के पर्टिकुलर वर्जन लगेंगे, सी लाइब्रेरी के पर्टिकुलर वर्जन लगेंगे और डी लाइब्रेरी के पर्टिकुलर वर्जन लगेंगे. आप उसके ऊपर काम कर रहे हो. नेक्स्ट उसी के साथ उसी सिस्टम के ऊपर आप दूसरा प्रोजेक्ट करना चाहते हो जिसमें आपको ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके की लाइब्रेरी लगेंगी. और उसमें जो वर्जन है, जो आपको ए प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड वर्जन है वो अलग रहेंगे और बी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको जो लाइब्रेरी चाहिए उस लाइब्रेरी के जो वर्जन से वो अलग रहेंगे. तो उससे क्या होगा, आप सही तरीके से प्रोग्राम नहीं कर पाओगे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, एनवायरनमेंट्स क्रिएट करेंगे. तो मान लो हमारा एनवायरनमेंट ए है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है उसको हम इंस्टॉल करेंगे विथ उसका जो वर्जन है. उसके बाद हमें एनवायरनमेंट दूसरा चाहिए तो हम क्या करेंगे, दूसरा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. वहाँ पे हमें जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है उसको हम इंस्टॉल करेंगे विथ रिस्पेक्टिव वर्जन्स. और उसके बाद हमारे जो मल्टीपल प्रोजेक्ट रहेंगे उसको हम पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कंप्लीट करेंगे. तो इससे क्या होता है कि हम आसानी से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट एक साथ एक सिस्टम में कर सकते हैं. तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. आपने Anaconda Navigator को इंस्टॉल किया होगा तो आपको एक ही एनवायरनमेंट मिलेगा जिसका नाम है बेस और ये रूट एनवायरनमेंट है. और अभी यहाँ पे दूसरा आप एनवायरनमेंट देख सकते हो, TensorFlow _ GPU. तो यहाँ पे मैंने TensorFlow मैंने इंस्टॉल किया है GPU के लिए. और यहाँ पे आपको जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट नीचे आना है, यहाँ पे आपको क्रिएट बटन मिलेंगे, इस क्रिएट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है. उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका एनवायरनमेंट है उसका यहाँ पे आपको नाम देना है. तो यहाँ पे मिल रहा हो TensorFlow, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया TensorFlow. नेक्स्ट यहाँ पे आपको चूज करना है पाइथन का वर्जन. अब यहाँ पे पाइथन 2.7 से लेकर पाइथन 3.8 है. फिलहाल हम क्या करेंगे, 3.7 को ही सेलेक्ट करेंगे. और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें आर का तो इस्तेमाल नहीं करना है. नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड ऑन योर सिस्टम कॉन्फिगरेशन एंड इट्स परफॉर्मेंस. यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा TensorFlow एनवायरनमेंट है वो अभी क्रिएट हो चुका है. और यहाँ पे आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इंस्टॉल. तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी लाइब्रेरीज, कितने पैकेजेस फिलहाल हमारे जो एनवायरनमेंट से उसमें इंस्टॉल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो पाइथन है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें टेंसर फ्लो को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको एक बटन मिल रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अभी हमारे एनवायरमेंट में इंस्टॉल नहीं है उसको हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी पैकेजेस है, जो लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल नहीं है आपके एनवायरमेंट में, उसके यहाँ पे आपको नाम मिलेंगे और यहाँ पे ढेर सारे पैकेजेस है। तो सिंपल सा रास्ता ये कि आपको क्या करना है, सर्च करना है, जिसको जो भी पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है उसको आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आना है और उसके बाद आपको लिखना है टेंसर फ्लो, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे टेंसर फ्लो लिखते हो तो इस कंपार्टमेंट में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टेंसर फ्लो के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स। आपके पास सिर्फ और सिर्फ सीपीयू होगा, आपके सिस्टम में जीपीयू नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, टेंसर फ्लो फॉर सीपीयू के लिए इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेंसर फ्लो है फॉर सीपीयू और इसका आप वर्जन देख सकते हो राइट साइड में 2.1.0, राइट। और आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आपको जस्ट क्या करना है, अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो टेंसर फ्लो इंस्टॉल होगा वो सीपीयू के लिए होगा, लेकिन आपके पास जीपीयू है तो आपको टेंसर फ्लो जीपीयू के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल नहीं करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा टेंसर फ्लो हाइपन जीपीयू। क्या मिलेगा, टेंसर फ्लो हाइपन जीपीयू। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो इसका वर्जन 2.1.0। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, राइट। इससे क्या होगा, आपका जो टेंसर फ्लो जीपीयू के लिए इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। इसी के साथ आप केराज का इस्तेमाल करना चाहते हो तो केराज के लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे सर्च बार में लिखना है केराज और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो केराज के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे हैं। देख सकते हो ये फर्स्ट ऑप्शन है केराज का, ये आप सीपीयू के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और इसका जो वर्जन है 2.4.3 है। लेकिन आपने टेंसर फ्लो जीपीयू इंस्टॉल किया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको केराज जीपीयू को यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है केराज हाइपन जीपीयू, तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है, आप टेंसर फ्लो फॉर सीपीयू के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको केराज भी वही इंस्टॉल करना पड़ेगा जो सीपीयू को सपोर्ट करता है। लेकिन आपने टेंसर फ्लो फॉर जीपीयू के लिए इंस्टॉल किया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, केराज फॉर जीपीयू को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप टेंसर फ्लो और केराज को इंस्टॉल कर सकते हो। और इसी के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना चाहते हो तो जस्ट आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स में आपको नाम लिखना है। जैसे कि मुझे फ्लास्क यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्लास्क और उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट इस फ्लास्क के ऊपर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप ओपन सीवी को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा ओपन सीवी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन सीवी का, इसको आपको सेलेक्ट करना और अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको जस्ट इस सर्च बॉक्स में उसका नाम लिखना है। फिलहाल हम टेंसर फ्लो को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने टेंसर फ्लो लिखा है। अब यहाँ पे आप टेंसर फ्लो फॉर सीपीयू के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या टेंसर फ्लो फॉर जीपीयू के लिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम क्या करेंगे, टेंसर फ्लो फॉर सीपीयू के लिए इस्तेमाल करेंगे, केराज फॉर सीपीयू को भी हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने टेंसर फ्लो एंड केराज दोनों सीपीयू के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आप जीपीयू के लिए इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप जीपीयू को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नीचे आना है और अप्लाई इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सॉल्विंग पैकेज स्पेसिफिकेशन, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, जो भी आपने पैकेजेस को सेलेक्ट किया उसके यहाँ पे आपको नाम मिल जाएंगे। जैसे कि हमने फ्लास्क को सेलेक्ट किया है, केराज को सेलेक्ट किया है, ओपन सीवी को सेलेक्ट किया है, टेंसर फ्लो को हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे सारे के सारे पैकेज आ चुके हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनको इंस्टॉल करना है तो आपको जस्ट अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो जो भी आपने लाइब्रेरीज को सेलेक्ट किया है वो लाइब्रेरी अभी इंस्टॉल होना चालू हो जाती है। उसके लिए आपको अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी, जो टेंसर फ्लो लाइब्रेरी है, नियर अबाउट 400 MB के पास है। उसके बाद केराज है, फ्लास्क है, ओपन सीव है, जो भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी है उसके लिए आपको स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि आप ओपन सीवी और फ्लास्क को भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको जरूरी है तभी करना है, जरूरी नहीं है तो आप उसको इग्नोर करना है। उसी के साथ आपको केराज का भी इस्तेमाल नहीं करना है तो आप केराज को भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आपको टेंसर फ्लो का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ आप टेंसर फ्लो को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा और थोड़ी देर के बाद आपका जो टेंसर फ्लो है, केराज है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसी के साथ इसमें हमने ओपन सीवी और फ्लास्क को भी इंस्टॉल किया है। जैसे आपके एनवायरमेंट में जो आपने पैकेज सेलेक्ट किए वो इंस्टॉल हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट होम बटन के ऊपर क्लिक करना है। होम बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो भी एनवायरनमेंट रहेगा उस एनवायरनमेंट को यहाँ पे देखना है, एप्लीकेशन ऑन, और यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट का नाम होना चाहिए,
जैसे हमारा एनवायरमेंट है टेंसर फ्लो, तो यहाँ पे आपको टेंसर फ्लो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आईडीज मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको पैकेजेस मिलेंगे। जैसे कि आप जुपिटर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको जुपिटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप स्पाइडर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको स्पाइडर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जैसे आप इनको इंस्टॉल करते हो और उसके बाद आपका जो विंडोज सर्च है वहाँ पे आप स्पाइडर को सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो भी आपका स्पाइडर है उसका नाम, उसके बाद जो आपका एनवायरमेंट है उसका एनवायरमेंट का आपको नाम मिलेगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी टेंसरफ्लो अंडरस्कोर जीपीयू ये एनवायरमेंट क्रिएट किया है, तो देख सकते हो स्पाइडर टेंसरफ्लो अंडरस्कोर जीपीयू ये एनवायरमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमने एनवायरमेंट क्रिएट किया था उसके बाद मैंने स्पाइडर को भी उस एनवायरमेंट में इंस्टॉल किया था, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। फिलहाल हमने जो टेंसरफ्लो एनवायरमेंट है उसका स्पाइडर मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, इसलिए उसका यहाँ पे नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपका एनवायरमेंट रहेगा उस एनवायरमेंट में जो भी आपने आईडी को इंस्टॉल किया होगा वो आईडी का नाम मिलेगा, उसके सामने आपको उस एनवायरमेंट का नाम मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस स्पाइडर को हम ओपन करेंगे। तो जैसे आप स्पाइडर ओपन करते हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आता है, आप यहाँ पे पाइथन की भी कोडिंग कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट हाय, और आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो जस्ट आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, रन बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपकी यहाँ पे कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाती है और उसका आप यहाँ पे आउटपुट भी देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, अभी हमारा मेन फोकस ये है कि हमें चेक करना है कि हमारा जो टेंसर फ्लो इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको जस्ट लिखना है इम्पोर्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है टेंसर फ्लो, उसके बाद आपको क्या करना है जस्ट एंटर बटन दबानी है। आपका टेंसर फ्लो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया होगा, तो उसके बाद आप जब उनको इम्पोर्ट करेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, आपका टेंसर फ्लो सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आप टेंसर फ्लो का वर्जन देखना चाहते हो तो आपको लिखना है टेंसर फ्लो डॉट लिखना है हाइपन हाइपन वर्जन, उसके बाद हाइपन हाइपन, और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। तो जो भी वर्जन टेंसर फ्लो का आपने इंस्टॉल किया होगा या इंस्टॉल हो गया होगा उसका आपको यहाँ पे वर्जन मिल जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, केरास को चेक करना है तो आपको लिखना है इम्पोर्ट स्पेस केरास, उसी तरीके से जो भी आपकी लाइब्रेरी होंगी ओपन सी होंगी फ्लास होंगी कोई भी लाइब्रेरी होंगी उसको आपका वर्जन चेक करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको लिखना है इम्पोर्ट, उसके बाद उस पैकेज का नाम लिखना है, और उसी के बाद सेम आपको उसको वर्जन चेक करना है, तो जो भी पैकेज का नाम है डॉट हाइपन हाइपन वर्जन हाइपन हाइपन, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो उसका वर्जन भी चेक कर सकते हो। और अभी आप क्या कर सकते हो, जो टेंसर फ्लो है जो केरास है उसकी आप यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई भी यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि टेंसर फ्लो क्या होता है और टेंसर फ्लो को हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आपको टेंसर फ्लो एनाकोंडा नेविगेटर का इस्तेमाल करके किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं, और यहाँ पे आपको कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जो भी आपको एरर आ रहे होंगे वो भी आप मुझे बता सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको स्टेप बताई है वो स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेंगे। टेंसरफ्लो एंड केरास जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और वहाँ पे हम देखेंगे कि यार जो केरास है और टेंसरफ्लो है उसको हम किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इम्प्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।